तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूँ जो कि इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर बेस्ड है, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोरियोलिस मास फ्लोमीटर। तो देखिए, मास फ्लोमीटर के लिए मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ, जिसमें हम लोग थर्मल मास फ्लोमीटर के बारे में डिस्कस किए थे। अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग कोरियोलिस मास फ्लोमीटर के बारे में डिटेल से समझेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग कोरियोलिस मास फ्लोमीटर के बारे में डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम की मदद से हम लोग अच्छे से डिटेल से समझने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्लोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम लोग फ्लो मेजर करते हैं, और यहाँ पे ये मास फ्लोमीटर है, तो ये मास फ्लोमीटर जो है वो मेजर करेगा। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि मास फ्लो रेट इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इनटू डेंसिटी होता है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, यानी कि इस टाइप का जो इक्विपमेंट है, यानी कि इस टाइप का जो ट्रांसमीटर है, वो क्या करता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के साथ साथ डेंसिटी को भी मेजर करता है, तब जाके ये जो फ्लोमीटर है वो मास फ्लो रेट शो करता है। तो अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल से ऑपरेशन समझते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम दिखा रखा है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि इधर से जो हमारा फ्लूइड है वो क्या करता है, इनलेट होता है। इधर से हमारा कोई भी फ्लूइड जो है वो इन हो रहा है, और यहाँ पे आने के बाद ये दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ये दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है। ये यू शेप में हमारा एक ट्यूब है, जो कि मेनली SS का ट्यूब रहता है, और इसके अंदर हमारा जो फ्लूइड है वो दोनों ट्यूब में इक्वल अमाउंट में आएगा। ठीक है, ऐसे हमारा पानी हो या कोई भी फ्लूइड है वो आएगा, और इस तरह से हमारा यहाँ से निकल के, और फिर ये दोनों हमारा क्या हो जाता है, मिक्स हो करके ये आउट हो जाता है। तो ये जो पार्ट है वो क्या है, हमारा ट्रांसमीटर बोल सकते हैं, यानी कि यहीं से हम लोग फ्लो जो है वो मेजर करते हैं। तो ये जो हमारा फ्लो ट्रांसमीटर है, इसका पार्ट्स पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ तो हम लोग समझ लिए कि इसके अंदर दो ट्यूब रहता है। ठीक है, और यहाँ से हमारा मेन लाइन से जो पानी आएगा वो दो पार्ट में डिवाइड होकर दोनों ट्यूब से हमारा निकलेगा। तो इसका जरूरत क्यों पड़ा कि दो ट्यूब में हम लोग पानी को फ्लो करवा रहे हैं? तो देखिए, इसका जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, तो कोरियोलिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा कि उन्होंने एक पाइप लिया, नॉर्मल जो घर का जो पाइप है वो पाइप लिया, उसमें पानी भर के उन्होंने ऑसिलेशन करने लगा, यानी कि आगे पीछे उन्होंने किया, तो देखे कि ऑसिलेशन जो है वो सिमेट्री है, मतलब एकदम बहुत ही यूनिफॉर्म में ऑसिलेशन हो रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसमें पानी का फ्लो स्टार्ट किया, यानी कि नल जो है ओपन उन्होंने कर दिया, और उसके बाद उन्होंने अभी भी ऑसिलेशन करने लगे, तो देखे कि इसके अंदर जो पाइप के अंदर ट्विस्टिंग मोमेंट आ रहा है, यानी कि पाइप हमारा थोड़ा सा बेंड हो जा रहा है, ट्विस्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो यही जो प्रिंसिपल है वो कोरियोलिस प्रिंसिपल कहलाता है, और सेम प्रिंसिपल उन्होंने यहाँ पर अप्लाइड किया। इसका मतलब कि जितना तेज से हमारा अगर उस पाइप के अंदर पानी फ्लो करेगा, उतना ट्विस्टिंग मोमेंट उसके अंदर आएगा, यानी कि पाइप उतना ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा होगा। ठीक है, उन्होंने वही चीज़ देखा, यानी कि ऑसिलेशन कंटिन्यू हो रहा है, एक बार कि हमारा पाइप के अंदर केवल पानी है तो भी ऑसिलेशन कर रहे हैं, और दूसरा कंडीशन में कि हमारा पाइप के अंदर पानी का जो फ्लो है वो कंटिन्यू कर दिए हैं तब ऑसिलेशन कर रहे हैं, तो ट्विस्टिंग उन्होंने देखा। वही एक्सपेरिमेंट उन्होंने यहाँ पर किया। तो देखिए, पाइप को ऑसिलेशन कराना है, ऑसिलेशन कराने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ड्राइविंग कॉइल लगा दिए। ड्राइविंग कॉइल का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो उन्होंने मैग्नेट लगा दिया, एक पाइप में ऐसा मैग्नेट लगा दिया, दूसरे पाइप में भी इन्होंने मैग्नेट लगा दिया, और मैग्नेट जो है वो दोनों क्या है, सेम पोल का है, यानी कि इधर भी नॉर्थ पोल है, इधर भी नॉर्थ पोल है। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ पोल क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा, क्योंकि दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, सेम है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा, है ना, अलग करेगा। तो यही फिनोमिना इन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया। तो जैसे ही ये दोनों मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो ये ऐसे भाग जाएगा, फिर वो अपना नेचुरल डेंसिटी की वजह से या ग्रेविटी की वजह से वो फिर से अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसको वापस भेज देगा। तो इस तरह से ये दोनों ट्यूब क्या है, कंटिन्यू ऑसिलेशन करते रहेगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइविंग कॉइल। ये कॉइल क्या करता है, ये दोनों ट्यूब को ऑसिलेशन कंटिन्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक
ब्लू वाला पाइप है, एक रेड वाला पाइप है। एक्चुअली पाइप का जो मटेरियल है वो सेम है, दोनों SS का ही है, लेकिन मैं यहाँ पे इजीली समझने के लिए मैंने यहाँ पे दोनों का कलर अलग कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, एक ये वाला देखिए और एक ये देखिए, ये क्या है, हमारा इनलेट पिकअप कॉयल है। यानी कि हमारा जो पानी इधर से आएगा या कोई भी फ्लूइड इधर से आएगा उसका क्या कंडीशन है, है ना, उसका मतलब क्या फ्रिक्वेंसी बन रहा है, कितना यहाँ पे पिकअप कॉयल क्या करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वाला वही फिनोमिना है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चेंज होगा तो इसके अंदर क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा। तो उसी वोल्टेज को हम लोग फ्रिक्वेंसी के तौर पर क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। सिमिलरली हमारा यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए, ये क्या है, हमारा आउटलेट पिकअप कॉयल है, ठीक है। यानी कि एक इनलेट में हम लोग ट्रांसमीटर लगा दिए, सेंसर लगा दिए हैं, एक आउटलेट में सेंसर लगा दिए हैं, और हम लोग चेक क्या करने वाले हैं कि इनलेट में हमारा क्या फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन का, और इधर आउटलेट में क्या फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन का, यही चीज़ हम लोग चेक करने वाले हैं। और अभी हमारा ये ड्राइविंग कॉइल क्या कर रहा है, इसको ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि इनिशियल कंडीशन में जब हमारा इसके अंदर कोई भी पानी का फ्लो नहीं है, तो ये जो हमारा पाइप है यानी कि जो हमारा ट्यूब है, वो दोनों क्या है, कंटिन्यू जो है वो ऑसिलेशन जो होगा वो सिमेट्री होगा। और उस कंडीशन में जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे आता है, तो देखिए मैंने यहाँ पे दो जैसे यहाँ पे, तो इनलेट का, इनलेट में जो फ्रीक्वेंसी होगा वो एकदम ऐसे ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी कुछ इस टाइप से बन रहा है, ठीक है। वही अगर आउटलेट का देखेंगे तो आउटलेट में भी जो फ्रीक्वेंसी है वो सिमेट्री बन रहा है, एकदम सेम है ना, दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों क्या है, इनलाइन है, एकदम सिमिलर वे से हो रहा है। इस तरह से यहाँ पे नो फ्लो कंडीशन में हमारा जो फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफिंग हो रहा है वो क्या हो रहा है, इन फेज हो रहा है, एकदम फेज जो है वो दोनों का सिमेट्री है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर फ्लूइड का फ्लो करवाएंगे, यानी कि जैसे ही हम लोग यहाँ से फ्लूइड फ्लो करवाएंगे तो ये क्या है, ऑसिलेशन है, ये ड्राइविंग कॉइल क्या कर रहा है, इसको ऑसिलेट करवा रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे फ्लूइड फ्लो करेगा तो इसके अंदर ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा, तो उस कंडीशन में जो इसका ग्राफ है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो उसको मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, तो दोनों कंडीशन का, यानी कि पहले हम लोग इनलेट पिकअप कॉइल का जो ग्राफ है वो प्लॉट करेंगे, उसके बाद हमारा जो आउटलेट पिकअप कॉइल है उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखिए इनलेट में मान लीजिए कि हमारा जो फ्रिक्वेंसी है वो कुछ इस टाइप से आ रहा है, ठीक है, और आउटलेट कंडीशन में जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो कुछ इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखा जाता है कि ये जो हमारा टिप पॉइंट है और इसका जो टिप पॉइंट है, अगर आप इसको ऐसे प्लॉट करेंगे, ऐसे डॉटेड लाइन कर देंगे और इसका डॉटेड लाइन करेंगे, तो इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है ना, इसका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा शिफ्ट कर गया है ना, इसको हम लोग इन लाइन नहीं बोलेंगे, ये क्या हो, सिमेट्री नहीं है, अनसिमेट्री है। और ये जो इस पॉइंट को, जो हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा सा, इसमें क्या है, एकदम सिमेट्री है, इसका पॉइंट सेम आ रहा है, इसका पॉइंट सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका टिप यहाँ पे है, इसका टिप यहाँ पे, इसका टिप यहाँ पे, इसका टिप यहाँ, थोड़ा सा क्या है, अनसिमेट्री है। तो ये जो हमारा जो फ्रिक्वेंसी में दोनों में जो चेंज आ रहा है, इसको हम लोग फेज शिफ्ट बोलते हैं, फेज शिफ्ट, और इसको हम लोग डेल्टा टी से डिनोट कर दे रहे हैं। और ये जो फेज शिफ्ट आया है वो किसकी वजह से आया है, तो फ्लूइड का फ्लो होने की वजह से आया है। और जितना हमारा फ्लूइड का वेलोसिटी ज़्यादा होगा उतना जो फेज का शिफ्ट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा, ट्विस्टिंग होगा। तो ये जो फेज शिफ्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास फ्लो रेट का, यानी कि हमारा जो फेज शिफ्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास फ्लो रेट का। अगर आपका फेज शिफ्ट बढ़ रहा है इसका मतलब मास फ्लो रेट भी बढ़ रहा है, और कम होगा तो, अगर शिफ्ट कम है इसका मास फ्लो रेट भी कम होगा। तो ये जो है डेल्टा, जो हमारा फेज शिफ्ट आया है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो भी आउटपुट निकलता है, फेज शिफ्ट जो मिलता है उसको है, इसको हम लोग कंट्रोलर या कन्वर्टर आप बोल दीजिए वहाँ पे ले जाते हैं, जहाँ पे उसको फेज शिफ्ट को कन्वर्ट कर दिया जाता है और हमें मास फ्लो रेट डायरेक्टली मिल जाता है। और इस टाइप का जो फ्लो मीटर है इसमें हमारा मतलब फ्लो रेट के साथ साथ डेंसिटी को भी मेजर करता है। तो डेंसिटी को मेजर कैसे करता है वो चीज़ समझते हैं। तो देखिए डेंसिटी
को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एक एग्जांपल लिया है, जिसमें हमारे पास दो स्प्रिंग है, जिसमें एक में क्या है, मान लीजिए कि ज़्यादा वेट का कोई मटेरियल हम लोग हैंग किए हैं, मान लीजिए 5 kg है, और इसमें जो है वो 2 kg हैंग किए हैं और एक ही सपोर्ट पर रखे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस को थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं, इसको पकड़ के छोड़ दे रहे हैं, इसको भी पकड़ के छोड़ दे रहे हैं। तो आप देखे होंगे कि ये जो जिसमें ज़्यादा वेट है वो क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा और धीरे धीरे नीचे आएगा। लेकिन ये वाला जो कंडीशन है जिसमें हल्का वेट है, 2 kg वेट है, ये क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा जाएगा, तेज़ी से ऊपर नीचे करेगा। तो देखेंगे कि अगर हम लोग इसका फ्रिक्वेंसी देखेंगे तो इसका फ्रिक्वेंसी क्या है, ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो इसका फ्रिक्वेंसी कुछ इस टाइप से बनेगा, यानी कि ऐसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरे कंडीशन में जब हम लोग इस स्प्रिंग का देखेंगे और इसका फ्रिक्वेंसी प्लॉट करेंगे, तो ये क्या हो रहा है, तेज़ी से ऊपर जा रहा है, तेज़ी से नीचे आ रहा है, तेज़ी से ऊपर जा रहा है, तेज़ी से, यानी इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका फ्रिक्वेंसी क्या है, इसका फ्रिक्वेंसी कम होगा, वेट ज़्यादा है तो इसका फ्रिक्वेंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वेट कम है। सिमिलरली अगर इस पाइप में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका अगर डेंसिटी ज़्यादा है, तो हमारा जो फ्रिक्वेंसी आएगा, ये जो फ्रिक्वेंसी आएगा वो क्या होगा, बहुत धीरे धीरे आएगा, है ना, क्लोज रहेगा। और यदि इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी कम है, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा आएगा, है ना। तो इस तरह से ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी का जो प्लॉटिंग है, इससे हम लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी क्या है। और डेंसिटी पता चल गया तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो इनटू डेंसिटी, तो हमें डायरेक्टली क्या हो जाता है, यहाँ से मास फ्लो रेट मिल जाता है। तो ये था एक बहुत ही सिंपल सा कोरियोलिस मास फ्लोमीटर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू सो मच।